हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही फिल्मों के टोटल कलेक्शंस के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिल्म होटल मुंबई के कलेक्शन से, फिर बताने वाले हैं आपको फिल्म कमांडो का कलेक्शन, और कल रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो और पानीपत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। साथ ही में दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितने करोड़ की कमाई कर ली है, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं फिल्म होटल मुंबई के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2008 में हुए आतंकवादी हमले के ऊपर बनाई गई इस फिल्म के लीड में आपको ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाले और स्लमडॉग मिलियनेयर में लीड रोल करने वाले देव पटेल नजर आए थे, वहीं उनका साथ दिया है इस फिल्म में अनुपम खेर सर ने। दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1200 स्क्रीन्स पर पिछले हफ्ते रिलीज किया गया था, उसके बावजूद भी दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की। और जहां इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 1,08,00,000 रुपए की शानदार कमाई की, वहीं अपने दूसरे दिन ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज के बाद कमाई 1,70,00,000 रुपए, तीसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाई 2,03,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में लगभग 4,80,00,000 से अधिक की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट वीक के टोटल कलेक्शंस की, तो दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी थी। इसी वजह से इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में भी काफी अच्छा होल्ड किया, और इस फिल्म का जो फर्स्ट वीक का टोटल कलेक्शन है वो रहा है 7,21,00,000 रुपए का। सेकेंड वीक में भी दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है, और बता दें दोस्तों आपको कि काफी कम स्क्रीन पर लगने के बाद इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीक यानी कि अपने 8वें दिन कमाए है लगभग 50,00,000 रुपए, वही दोस्तों अपने 9वें दिन ये फिल्म कमा रही है लगभग 60,00,000 रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 8.5 करोड़ रुपए का। वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म पहले ही काफी शानदार कमाई कर चुकी है। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को मार्च में ऑस्ट्रेलिया में रिलीज किया गया था, और ये फिल्म अप्रैल में अमेरिका में रिलीज हुई थी। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म का जो वहां से कलेक्शन है वो हो चुका था लगभग 130 करोड़ रुपए का, और 10 करोड़ इंडिया से मान लिया जाए तो इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो जाता है लगभग 140 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद के ऊपर बनाई गई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार विद्युत जामवाल नजर आए थे, वही दोस्तों उनका साथ दिया था इस फिल्म में अदा शर्मा, अंगिरा दत्त और गुलशन देविया ने। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य दत्त ने, वहीं ये फिल्म विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट के जरिए बनाई गई है। बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों बता दें आपको कि 29 नवंबर के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन 4,74,00,000 रुपए की कमाई की थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलने लगे, उसके बाद से इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और इस फिल्म ने जहां अपने दूसरे दिन कमाए 5,64,00,000 रुपए, वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 7,95,00,000 रुपए। इस तरह से यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 18 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट वीक की, तो दोस्तों फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने काफी शानदार होल्ड किया, और जहां इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए 3,42,00,000 रुपए, वहीं अपने 5वें दिन इस फिल्म ने कमाए थे 3,02,00,000 रुपए। छठे दिन के कलेक्शंस दोस्तों इस फिल्म के रहे थे 2,42,00,000 रुपए के, वहीं 7वें दिन इस फिल्म ने कमाए 2,05,00,000 रुपए। इस तरह से ये फिल्म अपने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 29,24,00,000 की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के सेकंड वीक की, तो दोस्तों सेकंड वीक में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के पास लगभग 600 स्क्रीन बची। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म ने अपने 8वें दिन लगभग 70,00,000 की कमाई की है, वहीं दोस्तों अपने 9वें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और कमा रही है लगभग 1 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 31 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 43 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। बजट है दोस्तों इस फिल्म का लगभग 30 करोड़ रुपए। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई है। वीडियो
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म पति पत्नी और वो के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। बताने चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म 1978 में आई फिल्म पति पत्नी और वो की ऑफिशियल रिमेक है और इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के नए चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे और अपार शक्ति खुराना लीड रोल में नजर आए हैं। दोस्तों बताता चले आपको कि लगभग 30 करोड़ के बजट से बनी यह फिल्म इंडियन ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है, क्योंकि इस फिल्म में मॉडर्न एज लव स्टोरी बताई गई है। दोस्तों बताते चले आपको कि कल इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2500 स्क्रीन्स मिली थी, जिसमें दोस्तों इस फिल्म को मल्टीप्लेक्सेस में काफी अच्छी स्क्रीन्स मिली है। इसी वजह से इस फिल्म ने कल अपने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई भी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज और क्रिटिक्स की तरफ से मिली हुई काफी अच्छी रेटिंग्स के बाद कार्तिक आर्यन की इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 9.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर पानीपत को पीछे कर दिया था। वही अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों आज भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार एडवांस बुकिंग हासिल हुई है। इसी वजह से दोस्तों आज इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो रही थी 18-22% की, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की दिखा रही थी 35-40% की, यानी कि दोस्तों कल की ऑक्यूपेंसी से आज की ऑक्यूपेंसी लगभग डबल ही हो चुकी है। इसी वजह से दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12.5-13 करोड़ की शानदार कमाई कर रही है। इस तरह से इस फिल्म का दो दिनों का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 22 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने दो दिनों में कमा चुकी होगी लगभग 26 करोड़ रुपए। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का बजट है मात्र 30 करोड़ रुपए। इस तरह से इस फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए लगभग 40 करोड़ से अधिक की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों दो दिन में ही यह फिल्म लगभग 22 करोड़ की कमाई तो कर चुकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने लाइफ टाइम में कितनी कमाई करेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पर बात की जाए फिल्म पानीपत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। दोस्तों हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म पानीपत, जिसे कि डायरेक्ट किया है आशुतोष गुवारिकर जैसे बड़े डायरेक्टर ने, बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म लगभग 70 करोड़ के बजट में बनाई गई है और इस फिल्म का निर्माण भी काफी भव्य लेवल पर किया गया है। दोस्तों ये फिल्म 2019 में रिलीज होने वाली एक मच अवेटेड फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त एक बार फिर से विलन के तौर पर नजर आने वाले थे। वहीं इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं अर्जुन कपूर। दोस्तों बता दें आपको कि ये फिल्म एक हिस्टोरिकल वॉर फिल्म है, जिसमें कि वीर मराठाओं के शौर्य और साहस को दिखाया गया है। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को कल ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1600 स्क्रीन ही मिल पाई है और इस फिल्म का क्लेश हुआ है फिल्म पति पत्नी और वो के साथ। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो तो थोड़ा कम रहा था। हालांकि दोस्तों काफी अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ भी दिखाई थी और जहां इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी कल की वो रही थी 12-15% की, वहीं दोस्तों आफ्टरनून में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी वो रही थी 21-28% की, यानी कि दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में कल मॉर्निंग से ही डबल ग्रोथ देखी गई थी। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म का जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा वो रहा है लगभग 10 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर बात की जाए सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म के जो सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 18-22% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपन हुई है। इसी वजह से दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ से अधिक की कमाई आसानी से करने वाली है। इस तरह से इस फिल्म का दो दिनों का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 17 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 22 करोड़ की कमाई अपने दो दिनों में कर चुकी होगी। आपको बताते चले दोस्तों कि इस फिल्म का जो बजट है वो है लगभग 70 करोड़ रुपए का। इस तरह से इस फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए लगभग 90 करोड़ से अधिक की कमाई करनी होगी। दोस्तों अब यहाँ पर बात की जाए सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म
हाउसफुल 4 के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 45 दिन पूरे हो चुके हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई करती ही जा रही है और सुपरस्टार अक्षय कुमार के कैरियर की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म साबित हुई है। तो अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 25 अक्टूबर के दिन लगभग 3,900 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन धमाकेदार 19 करोड़ 8 लाख रुपए कमाए थे। फर्स्ट वीकेंड में दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो रहा था 54 करोड़ रुपए का। वहीं अपने फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने कमाए 141 करोड़ 31 लाख रुपए। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले थे, वहीं क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज दिए। उसके बाद भी दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार के स्टारडम के कारण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की और अपने सिर्फ 2 ही हफ्तों में ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 190 करोड़ से अधिक की कमाई करके एक हिट फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद का जो कलेक्शन था वो इस फिल्म का प्रॉफिट रहा और इस फिल्म ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर लगभग 214 करोड़ से अधिक की कमाई करके एक सुपरहिट का टैग हासिल कर लिया है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो रहा है 315 करोड़ रुपए का। इसी के साथ ये फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को पीछे करते हुए सुपरस्टार अक्षय कुमार की पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसने की बॉक्स ऑफिस पर 315 करोड़ का आंकड़ा पार किया हो। तो दोस्तों आपको इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।